प्यारे बच्चों, मेरा नाम स्मिता है और आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप पहले स्वर के दो अक्षर पढ़ चुके हैं, आ से अनार और आ से आम, आज हम सीखेंगे ई से इमली। ये कौन सा अक्षर है बच्चों? ई। ई से इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी। आइए हम उसे लिखना सीखें। पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और एक हाफ सर्कल बनाएंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और हाफ सर्कल बनाकर अंदर की ओर मोड़ देंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो ये कौन सा अक्षर बन गया बच्चों? ई। ई से इमली। आइए हम इसे दोबारा लिखना सीखते हैं। हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी, हाफ सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और हाफ सर्कल और इसे अंदर की ओर मोड़ देंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ई से इम। अच्छा बच्चों, अभी हमने ई इमली का सीखा था और अब हम ई ईख का बनाएंगे। ये ई ईख का है और ये ई इमली के जैसा ही होता है और इसके ऊपर सिर्फ एक उल्टा सी बन जाता है। ई से ईक। ई से ईक। आइए अब हम इसे लिखना सीखते हैं। जैसे हमने ई इमली का बनाया था उसी तरह हम एक छोटी लाइन, हाफ सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन में हाफ सर्कल, उसे अंदर की ओर मोड़ते हुए ऊपर उल्टा सी बनाएंगे। यह हमारा बन गया ई से ईख। ईख क्या होता है? गन्ना होता है। गन्ने को भी हम ईख बोलते हैं और वो कैसा होता है? मीठा होता है। आइए हम इसे फिर से लिखते हैं। एक छोटी स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन में हाफ सर्कल, उसे अंदर मोड़ते हुए और ऊपर स्लीपिंग लाइन और उल्टा सी बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा ई से ई। आज हमने दो स्वर सीखे हैं, ई इमली का और ई ईख का। तो बच्चों, आप इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा और अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।